Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपने घरों में। तो गाइस, ये मैं बना रही थी खीर, और खीर किस किस को पसंद है प्यारे प्यारे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है, और आप लोग कैसे बनाते हैं खीर की रेसिपी तो ये भी बताइएगा। मैं बनाती हूँ चावल, जो टोटा चावल होते हैं वो चावल ले लेती हूँ, अगर वो ना हो तो बड़े चावल जो हम नॉर्मल चावल के लिए यूज़ करते हैं वो ले लेते हैं। उसको अच्छे से भिगो कर रखते हैं कोई 2-3 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद फिर दूध को बॉईल अच्छे से करके इलायची डाल के और चीनी उसमें डाल देते हैं, साथ में चावल भी डाल देते हैं, और फिर इसको पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 घंटे के लिए इसको लो फ्लेम पर पकाया था, और खीर हमारी तैयार माशाल्लाह इतनी अच्छी तैयार हो गई थी। फिर मैंने साथ ही साथ इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी आपको पसंद हो वो डालें, मैंने बादाम, पिस्ते और कोकोनट पाउडर जो होता है वो लिया, वो मैंने इस पे शामिल कर दिया। और मुझे कोकोनट पाउडर खीर के अंदर डला हुआ इतना अच्छा लगता है, बड़ा इसका टेस्ट एक अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर फिर हमारी खीर हो चुकी थी बिल्कुल बिल्कुल फटाफट से तैयार, और फिर मैंने ये जो है बॉल्स के अंदर और जो है इसमें निकाल लिया था, ऊपर से मैंने गार्निश की थी ड्राई फ्रूट से। और फिर अचानक से हमारा प्लान बना कि मुझे छोटे मोटे काम थे और मेरी मदर को भी काम था, तो हम चले बाज़ार, और ये बाज़ार है रेशम गली का, जो आप कोहिनूर मार्केट जिसको बोलते हैं ये वो है। तो यहाँ बड़ी खूबसूरत सी और प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ दिख रही थी मुझे, कलरफुल। आपने भी बताना है कि ये फ्लावर वाली आपको बैंगल्स कितनी अच्छी लग रही हैं कि नहीं। अब ब्राइडल ड्रेस वगैरह थे और नॉर्मल कैजुअल जो ड्रेस होते हैं वो, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, बेडशीट वगैरह और कुछ ऐसी चीज़ें छोटी मोटी, पीको वगैरह जो होती है वो करवानी थी। तो ये देखिए, ये हमारी सिंधी कल्चर की जो आप सकाफत जिसे बोलें वो है, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह जिसको सूसी की शलवार कहते हैं, बड़ी मशहूर है ये। इस इधर से मैंने कुछ इधर से भी चीज़ें ली, और फिर साथ ही साथ जो बाज़ार आए और आपको पीको शिको ये चीज़ें ना करवाएं तो ऐसा हो नहीं सकता, तो बस मैं भी यही करवा रही थी साथ में। और अब आप मिरहा की प्यारी प्यारी सी पोयम सुने। तो मिरहा आज हम लोगों को सुना रही हैं पोयम, तो कौन सी पोयम सुना रही हैं जल्दी से सुनाइए। ओके, नेक्स्ट पोयम कौन सी है? मेरी बिल्ली। चलें सुनाइए। मेरी बिल्ली काली है, लंबे बालों वाली है, आंखें नीली नीली है, कुछ कुछ पीली पीली है, दूध से शर्माती है, दूध में रोटी खाती है। वेरी गुड। और कौन सी पोयम है? चलिए, और कौन सी पोयम मिरहा को याद है? कौन सी? चलिए सुनाइए। प्यारा बच्चा है, उसके पास एक बच्चा है, कुछ कलम है और कलम भी अच्छा है, टिंकल सुना दें। अच्छा सुनाइए। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अप हेवन सो हाई, लाइक डायमंड इन द स्काई। तो मेरा आइस क्लोज कीजिए, मैं आपको क्या दूंगी, वन सरप्राइज, टन टन टन। थैंक यू बोले, टाटा। चले गाइस, फिर अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आपको मेरा की पोयम्स अच्छी लगी हैं तो उसके लिए कमेंट्स कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।